अगर आपको क्रिस्पी पकोड़े खाना बहुत अच्छा लगता है तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे कैबेज पकोड़ा, यानी कि पत्ता गोभी का पकोड़ा, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होता है। अलग तरह का पकोड़ा है और बहुत आसानी से आप इसे बनाएंगे। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए एक कप ग्रेटेड कैबेज ले लिया मैंने। इस तरह से इसे हमें काट लेना है, ये देखिए। अब एक बड़े साइज़ के प्याज को स्लाइसेस में काट लीजिए। साथ ही हमें चाहिए 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखिए, इन पकौड़ों में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सबको एक साथ मिक्सिंग बाउल में ऐड कर देंगे और यहाँ पर मिर्च को भी मैंने बिल्कुल रफली चॉप करके ऐड किया है। इसके साथ ही अब सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाला है कलौंजी आधा छोटी चम्मच। इसके साथ ही अजवाइन ऐड कर देंगे आधा छोटी चम्मच। अब डालेंगे इसमें सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही यहाँ पे भुना हुआ जीरा का पाउडर। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर। इन सब की क्वान्टिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब डालेंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, ये पकौड़े काफ़ी फ्लेवरफुल बनते हैं। अब डाला है मैंने हल्दी पाउडर। इसके साथ ही यहाँ पे जाएगा चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला में भी थोड़ा सा नमक होता है, तो नमक ध्यान से डालिएगा। अब डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप चावल का आटा, और इसके साथ ही इसमें जाएगा बेसन। लगभग एक कप से थोड़ा सा कम लिया है मैंने, लेकिन अभी इसे ऐड नहीं करना है, इसे साइड में रखते हैं। पहले चावल के आटे के साथ सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा रब करते हुए मिलाइए ताकि प्याज और पत्ता गोभी में जो जूस है वो बाहर निकले और चावल का आटा अच्छी तरह से बाइंड हो जाए, इस तरह से मसलते हुए। तो यहाँ पे मिक्स कर लिया है हमने चावल के आटे को अच्छी तरह से। अब डालेंगे इसमें बेसन। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन बचा लिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे। तो पहले इसे इसी तरह से सूखे में ही मिक्स करेंगे, ये देखिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार करेंगे। सब कुछ बाइंड हो जाए बस हमें इतना पानी डालना है। तो एक साथ पानी मत डालिए, नहीं तो बहुत पतला मिक्सचर तैयार हो जाएगा, तो पकौड़ा जब आप तलेंगे तो वो तेल में फैल जाता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है, लगभग आधा कप पानी से ये मिक्सचर तैयार हो गया। और जो हमने बेसन बचाया था वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, तो आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन लगा है इसमें। और यहाँ पे इस तरह से हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, ये देखिए। तो अब हम पकौड़ा फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लेंगे। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से तेल को गरम कर लिया है मैंने। तेल के गरम होते ही अब हम इनमें पकौड़ों को डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ के पकौड़े डाल रही हूँ। बस थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते जाइए और उसे हल्का सा गोल करते हुए तेल में डालते जाएंगे, इस तरह से। आप चाहे तो बड़ा पकौड़ा भी बना सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे तब तक फ्राई करना है फ्लिप करते हुए, जब तक कि इनमें अच्छा सा कलर ना जाए, गोल्डन ब्राउन होने तक। और आप देखेंगे कि ऊपर का पार्ट बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से ये बिल्कुल मॉइस्ट रहते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। लगभग एक से डेढ़ मिनट के बाद हम सबको फ्लिप करेंगे। तो एक बैच के पकौड़े को फ्राई करने में आपको कम से कम 7 से 8 मिनट का समय लगेगा मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे एक मिनट के बाद हम सबको फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लगभग 1.5 मिनट हो चुका है और नीचे से ये अच्छी तरह से पक चुके होंगे, तो सबको फ्लिप कर लेते हैं, ये देखिए। अब दूसरी साइड से भी लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम सबको फ्लिप करते हुए लगभग 2 से 3 मिनट तक क्रिस्पी होने तक इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे फ्लिप करते हुए तब तक फ्राई कीजिए, इनका अंदर का जो पार्ट है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए लगातार इसे फ्लिप करते हुए इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और यहाँ पे लगभग 7 मिनट के बाद पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं। तो इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और इन्हें किचन टावल पर रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने तेल बिल्कुल नहीं एब्जॉर्ब किया है। अगर तेल का टेम्परेचर अच्छा गर्म होता है फ्राई करते समय, तो ये तेल बिल्कुल नहीं एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म कैबेज पकौड़ा बिल्कुल तैयार है, क्रिस्पी, फ्लेकी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल। तो इन पकौड़ों को आप किसी भी चटनी के साथ और हरी मिर्च के साथ सर्व कीजिए, सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो बिल्कुल इसी तरह से एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी का इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।
मेरी बाकी बनाई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन पे दिए लिंक्स पे क्लिक कीजिए और उसे भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।